Hey, what's up guys? कैसे हो सारे सारे? I hope सही बढ़िया होंगे। तो फाइनली होयोवर्स ने रिवील कर दिया 4-star करेक्टर्स जो कि किनिच के बैनर पे और रेडन के बैनर पे आने वाले हैं फेस 2 में। उसी के साथ वेपन बैनर भी रिवील हो चुका है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं बैनर के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि 4-star की वैल्यू क्या है ओवरऑल, और 5-star के बारे में भी बात करेंगे कि आपको पुल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने किनिच के बारे में काफी डिटेल में बात कर रखी है विद रेडन, शोगन एंड काजू एंड मुलानी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। उसी के साथ थोड़ा सा जिलोलिन के बारे में बात करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं थोड़े से माइनर से, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू इट एंड टॉक अबाउट किनिच एंड रेडन शोगन बैनर 4-star कैरेक्टर्स। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो जो 4-star है वो है शेवरिस, कुजोसारा एंड थोमा। टू बी ऑनेस्ट ओवरऑल बैनर की बात करूं तो ओवरऑल बैनर इतना खास नहीं है, काफी एवरेज है, मगर एक करेक्टर 4-star होने की वजह से इस बैनर की वैल्यू बढ़ जाती है और वो है शेवरिस। काफी लोग इस करेक्टर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, मगर इस वीडियो के थ्रू मैं आपका बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दूंगा इस करेक्टर को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं 4-star शेवरिस के बारे में जो कि एक पोलाम यूजर है। इस करेक्टर को स्पेशली डिजाइन किया ओवरलोड टीम कॉम्स के लिए, बिकॉज जब आप इलेक्ट्रो और पायरो करेक्टर्स इसकी टीम में रन करते हो ये अपने पैसिव के थ्रू 40% एलिमेंट रेस लो कर देती है इलेक्ट्रो के अगेंस्ट और पायरो के अगेंस्ट, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ओवरलोड रिएक्शन किया तो इसके साथ। तो पार्टी में सिर्फ आपको इलेक्ट्रो करेक्टर्स और पायरो करेक्टर्स रन करने और इसका जो पैसिव है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब भी आप ओवरलोड रिएक्शन ट्रिगर करते रहोगे तो आपको 6 seconds का रेस 40% लो मिलता रहेगा। अगर आपको नहीं पता रेस क्या होता है तो मैं सिंपल वे में बताऊं तो पर्टिकुलर रिएक्शन के अगेंस्ट या पर्टिकुलर एलिमेंट के अगेंस्ट उन सभी एनिमीज की बॉडी वीक हो जाएगी और आपका डैमेज हाई अमाउंट ऑफ देखने को मिलेगा। दूसरे पैसिव की बात करूं तो इस करेक्टर से आपको 40% अटैक बोनस मिलता है डिपेंड ऑन द एचपी जितनी आपने इसको दे रखी हो, प्लस ये करेक्टर अपनी स्किल से हीलिंग भी करता है। तो 40,000 का टारगेट अपना एचपी का जिससे आपको 40% अटैक बोनस मिल जाता है एंड यू कैन यूज स्किल एबिलिटी टू हील योर एक्टिव करेक्टर। प्लस यहाँ पे एक हल्का सा डाउनग्रेड है और वो ये है कि ये टीम को हील नहीं करती, एक्टिव करेक्टर को हील करती है, और इसकी हीलिंग बहुत ही एवरेज टाइप की है विद C0। मैं इस करेक्टर को काफी टाइम से C0 पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये करेक्टर काफी अमेजिंग है, मगर इसकी हीलिंग और इसका बफ अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो इसका C6 कॉन्स्टेलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बात करूं इसके कॉन्स्टेलेशन C6 की, तो ऐसा होता क्या है, तो काफी सिंपल है। स्किल यूज करने के बाद और हील होने के बाद 10% हील सबको कर देती है पार्टी मेंबर्स में, और 8 सेकंड्स के लिए आपको 60% तक पायरो और इलेक्ट्रो डैमेज बोनस मिलता है, और इससे आपका डैमेज स्काई रॉकेट तक जाता है जिससे आप C0 DPS कोई भी रन करो वो इजीली किसी भी एनिमी को बीट कर सकता है। तो इतना ज्यादा पावर इंक्रीज कर देती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। मैंने काफी लोगों के अकाउंट में खेला है जिनके पास C6 है। सो इस करेक्टर का काफी सिंपल एंड स्ट्रेट फंडा है, ओवरलोड टीम किसी भी DPS के साथ करो, इलेक्ट्रो DPS हो या पायरो DPS हो, ये करेक्टर C6 के बाद आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। मगर स्टिल जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्रीमोजन्स बहुत लोगों के पास कम होते हैं तो काफी लोग नहीं निकाल पाएंगे, बट आप कोशिश कर सकते हो। अगर आपको उसका C3 भी मिल जाता है तब भी काफी अच्छी बात है, ये हीलिंग काफी अच्छी कर देगी। तो आप बिना बैलेट के भी अकेले रन कर सकते हो, बिना शील्डर के भी रन कर सकते हो शेवरिस को बाकी अदर टीम्स कॉम में। इसकी गाइड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं डिटेल में कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इस करेक्टर को, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर करेक्टर की वजह से इस बैनर की ओवरऑल वैल्यू थोड़ी सी मेरी नजर में बढ़ जाती है। बात करते हैं अब कुजोसारा की, तो कुजोसारा इलेक्ट्रो करेक्टर है और बो यूजर है। कुजोसारा के एडवांटेज कम है और डिसएडवांटेज ज्यादा है, जस्ट बिकॉज इसका स्किल का जो बफ है अटैक बोनस का वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और इसके अल्टीमेट डैमेज डील के लिए बनती है, मगर स्टिल बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं आप इसे सब DPS के तौर पर भी रन नहीं कर पाओगे अगर आपके पास इलेक्ट्रो करेक्टर्स नहीं है पार्टी के अंदर, अगर आप इसे सोलो रन कर रहे हो तो बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका अटैक बफ का ड्यूरेशन शॉर्ट है, जिस वजह से जो स्नैपशॉट कर सकते करेक्टर वही ज्यादा फायदा उठा पाते हैं, बाकी करेक्टर्स नहीं उठा पाते। प्लस इसका जो C6 कॉन्स्टेलेशन है क्रिट डैमेज बूस्ट करने का वो सिर्फ इलेक्ट्रो करेक्टर्स के लिए है, तो ये करेक्टर्स एडवांटेज के मामले में काफी कम देता है और डिसएडवांटेज ज्यादा देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा क्लंकी देखने को मिलेगा इसकी परफॉर्मेंस। बट स्टिल अगर आप चाहो तो इसे रन कर सकते हो, पर्सनली चॉइस है, जस्ट बिकॉज वाइफ हुआ तो अगर आपको पसंद है तो आप जा सकते हो। तो काफी लोग हाइपरगैरी खेलते हैं जो सारा रेडन शोगन के साथ, तो आप वो ट्राई कर सकते हो, बट स्टिल ये आपको इतना अच्छा आउटकम नहीं देगी अंटिल यू पुल द C6 कॉन्स्टेलेशन। तो C6 पे काफी ज्यादा डिपेंडेबल है इसकी परफॉर्मेंस खुद की भी और बाकी अदर के लिए भी, बट रही बात इसके बफ की तो उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते, मगर स्टिल ये बैनेट की तरह काम करती है, इसको भी बेस अटैक हाई चाहिए होता है ताकि ये अच्छा बफ दे सके आपको। दूसरी प्रॉब्लम जो कि मैंने आपको बताई वो है एनर्जी की, इसके कॉन्स्टेलेशन बिल्कुल भी एनर्जी में इसकी हेल्प नहीं करते, जिस वजह से आपको एनर्जी का भी रिक्वायरमेंट हाई रखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना भी रेशो का भी डिफिकल्ट हो जाता है विद एनर्जी जिससे प्रॉपर डैमेज डील कर सके। तो ये करेक्टर मेरी नजर में सबसे वर्स्ट और लीस्ट प्रायोरिटी में आता है, जिसको अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो अपने पर्सनल रीजन की वजह से बिल्ड कर सकते हो, अदरवाइज वैल्यू नहीं है। बात करते हैं अब थोमा की, जो कि काफी नीच करेक्टर है। मैक्सिमम थोमा को लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी शील्ड के लिए और स्लो पायरो एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ये अपनी अल्टीमेट में करता है। थोमा की परफॉर्मेंस काफी सही है और धीरे धीरे इसकी टीम ऑप्शन भी बढ़ रहे हैं। मुलानी के आने के बाद आप इसको मुलानी की टीम में भी रन कर सकते हो, और इसका C6 कॉन्स्टेलेशन काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि वो 6 सेकंड्स के लिए 15% नॉर्मल चार्ज और प्लंच अटैक डैमेज इंक्रीज कर देता है। प्लस स्लो पायरो एप्लीकेशन काफी ज्यादा यूजफुल होता है फॉर द बर्निंग या फिर वर्जन करने के लिए, और इसकी शील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी शील्ड से इंटरप्शन भी नहीं हो पाता अगर वो टूट भी जाए तो काफी बढ़िया करेक्टर है, जो कि धीरे धीरे अब ज्यादा यूजफुल हो रहा है जिस हिसाब से टीम और करेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। बाकी स्टिल मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप थोमा के
कॉन्स्टेलेशन निकालो ही निकालो, अगर आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हो C4 के बाद। मिनिमम C4 के बाद इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है बिकॉज एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कुजो सारा की तरह इसकी भी एनर्जी कॉस्ट हाई है 80 की है, जिससे एनर्जी और एचपी का बैलेंस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जिस वजह से बिना कॉन्स्टेलेशन के काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं थोमा मेरी नजर में सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर जो है सबसे सॉलिड वो है शिवरिस, जिसके लिए आपको टारगेट रखना चाहिए। अब बात करते हैं 5-star करेक्टर किनिच के बारे में। तो किनिच के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं जैसे कि मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट समरी में बता देता हूं अगर आपको जानना है इसके प्ले स्टाइल के बारे में। तो ये करेक्टर काफी सिंपल करेक्टर है, जब भी आप इसकी स्किल यूज करोगे ये अपने हुक से एनिमी को टैग कर लेगा और 360 आप डेंड्रो डैमेज डील कर सकते हो। और जैसे आपके नाइट सोल पॉइंट्स का लिमिट हाई हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, तो आप एक कैनन डैमेज डील कर सकते हो जो कि काफी अच्छा एओई देखने को मिल सकता है। ये तो आने के बाद बच लेगा, मगर वो कैनन डैमेज आपको इजी 100 के प्लस डैमेज देखने को मिल सकता है, तो काफी हाई अमाउंट ऑफ डैमेज डील करेगा। मगर इसका जो पैसिव है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है उस नाइट सोल पॉइंट्स की लिमिट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि आपको बर्निंग या बर्जन करना है तो उसमें जल्दी जल्दी आप कैनन डैमेज डील कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका प्ले स्टाइल रहेगा, एंड यू कैन स्विच द एनिमीज बिटवीन, जिसको भी आप टैग करना चाहते हो टैग कर सकते हो, मगर बिना कैनन डैमेज के जो इसका नॉर्मल डैमेज होगा वो इतना आपको शायद हाई देखने को ना मिले। तो एक करेक्टर मुलानी की तरह मोस्टली सिंगल टारगेट पे बेस होगा, एंड इसका एओई डैमेज कितना अच्छा है वो तो आने के बाद पता चलेगा। बाकी कुछ चीज आपको देखने को मिल सकती है जैसे कि इसको इंटरप्शन हो सकता है, और प्लस अगर आपने एनिमी से डिस्टेंस बनाया तो इसकी चेन टूट जाएगी ग्रैपल हुक की। तो ऐसी कुछ चीजें देखने को मिल सकती है जो कि आने के बाद ही कंफर्म होगा कि किस तरीके से इसका प्ले स्टाइल बढ़िया काम कर रहा है, सिनर्जी कर रहा है बाकी अदर यूनिट्स के साथ। बात करते हैं इसकी अल्टीमेट, तो इसकी अल्टीमेट काफी सिंपल है। इसकी अल्टीमेट यूज करते ही इसका जो ड्यूरेशन है स्किल का बढ़ जाएगा, और यू कैन इजीली डील डेंड्रो डैमेज जो कि इसकी अल्टीमेट ड्रैगन देता है, लेजर डैमेज। उसकी अल्टीमेट से ज्यादा डैमेज उम्मीद मत करना क्योंकि इसकी जो परसेंटेज स्केलिंग है वो इतनी हाई नहीं है, वो काफी बैलेंस है जैसे कि वॉन्डर का अल्टीमेट। बाकी आने के बाद बचलेगा इस करेक्टर की एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अदर टीम कॉम्स। तो अगर आपके पास कोई डेंड्रो डीपीएस नहीं है तो आप किनिच को कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो बाकी लोगों का रिव्यू देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं राइडिंग शोगन की, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में। इस करेक्टर को पुल करते समय सिर्फ आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है कि ये करेक्टर C0 पे प्रॉपर मेन डीपीएस का रोल नहीं निभाती। दूसरी चीज, इस करेक्टर को आप सपोर्ट में ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो राइट नाउ क्योंकि डीपीएस ऑप्शन अब ज्यादा है जो कि इससे बेटर काम करते हैं। अगर सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडर अभी भी काफी ज्यादा यूजफुल है। अब बात करते हैं तीसरे सॉलिड रीजन की, अगर आपको C0 पे ऐसा डीपीएस के तौर पे खेलना है तो मेक श्योर आपके पास नेशनल टीम हो, आपके पास शेवरेस हो, ताकि आप ओवरलोड भी कर सको, नेशनल भी रन कर सको। और अगर आप कुछ और रन करना चाहते हो इसके साथ तो मेक श्योर जो भी आप यूनिट रन कर रहे हो वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 4-star विद कॉन्स्टेलेशन, और अगर 5-star है तो चल जाएगा फुरीना जैसा बफर या येलन या कंजो जैसा बफर आपके पास होना चाहिए जो कि इसका डैमेज इंप्रूव कर सके, अदरवाइज ये आपको अच्छा परफॉर्म करके नहीं देगी डीपीएस में, फिर कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। इन तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है। बात करूं इसके बिल्ड की तो इसको बिल्ड करना काफी आसान है, और जैसे कि आपको पता ही है कि एनर्जी पे काम करती है तो इसको बिल्ड करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा। तो अगर आपको नहीं पता इसका प्लेस्टाइल किस तरीके से काम करता है, इसकी टीम्स क्या क्या है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, गाइड वीडियो अवेलेबल है। बाकी लोग पूछते रहते हैं डीपीएस रिटर्न शोगन कितना ज्यादा पावर क्रीप हुआ है, तो मैं बोलूंगा हां काफी ज्यादा हो गया है। मुलानी काफी अच्छा डैमेज डील कर रही है एज कंपेयर टू रिटर्न C0। आप नाविया को कंसिडर कर सकते हो, आप आर्लेगिनो को कंसिडर कर सकते हो, आप न्यूब्लेट को कंसिडर कर सकते हो। काफी टीम्स हैं जो कि डीपीएस काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू रेडन, अगर मैं उनको कंपेरिजन करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बट स्टिल ये आपका मानना है, करेक्टर वाइफ है, बहुत सारे फैन है लोग इसके, और ये आर्कॉन है तो एक पॉइंट है आपके पास कलेक्शन करने के लिए, आप इसे पुल कर सकते हो डेफिनेटली क्योंकि ये आर्कॉन है तो पता नहीं अब कब आएगी। अदरवाइज मैं आपको हार्डली रिकमेंड नहीं करूंगा, जैसे कि अगर आप 50-50 हार जाते हो तो आपको गारंटी जाना चाहिए, मैं वो चीज आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ये आपका पर्सनल चॉइस है। रेडन को लेकर मैं कुछ और बोल नहीं सकता क्योंकि इस करेक्टर को पुल करने से आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, डिसएडवांटेज तो नहीं होने वाला ऑफ कोर्स। बट स्टिल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरे को एक और चीज के बारे में बात करना है, और वो है ज़िलुलिन। तो वो एक करेक्टर आ रही है जियो करेक्टर जो कि एक बफर है, और वो बफर बहुत अच्छी बफर है, उसको अभी तक नर्फ नहीं किया गया है। उसकी थोड़ी बहुत चीजें चेंज करी है C2 कॉन्स्टेलेशन के बारे में, और उसकी मूवमेंट स्पीड एक्सप्लोरेशन के मामले में कुछ चेंज किया गया है, बट स्टिल उसकी एबिलिटीज को लेके, उसकी स्किल और उसकी अल्ट को उसमें कुछ डिफरेंस नहीं किया गया है। तो वो एक सॉलिड बफर आने वाली है आफ्टर कज़ुआ, जो कि आपके डीपीएस को और इंक्रीज कर सकती है, और वो मल्टीपल टीम कॉम में काम कर सकती है। तो उस चीज के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप गारंटी जाने की सोच रहे हो तो आपको एक बार सोचना चाहिए अपकमिंग करेक्टर के बारे में। दूसरी चीज ये भी है कि रूमर्स के हिसाब से नहीदा आने वाली है, और नहीदा आपकी बहुत हेल्प कर सकती है क्योंकि नहीदा डेंड्रो करेक्टर है और सोलो काम कर सकती है बहुत सारे डेंड्रो रिएक्शन में। तो वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है ये सोचने का कि आपको रिटर्न गारंटी निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए। बट स्टिल जो लोग सोच रहे हैं C2 निकालने की, C1 निकालने की, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बल्कि आपको एक कॉपी निकालनी चाहिए और बाकी प्रीमियम जम सेव करके आपको अपकमिंग करेक्टर पे पुल करना चाहिए जैसे कि ज़िलुलिन या नहीदा अगर आपके पास नहीं है। तो राइट नाउ यही मेरा ओपिनियन है अबाउट द रिटर्न शोगन को लेके, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। अब बात करते हैं वेपन बैनर की, तो काफी लोग पूछ रहे थे रिटर्न का कॉन्स्टेलेशन निकालना चाहिए या फिर वेपन निकालना चाहिए। तो भाई सिंपल एंड स्ट्रेट बोलूंगा, रिटर्न का C1 कुछ नहीं करता, बस उसके रिजॉल्व स्टैक इंप्रूव कर देता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, मगर एक्चुअल में डैमेज इंक्रीज आपको C2 में मिलता है और C3 में मिलता है।
तो इसलिए आप वेपन निकाल लो, वो बढ़िया रहेगा C0 पे। अदरवाइज आप कॉन्स्टेलेशन जा रहे हो तो फिर C2 निकाल लो और वेपन छोड़ दो, वेपन अगली बार ही निकाल लेना। तो इस तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा। बाकी रेडन का वेपन काफी और भी करेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रोजारिया, जैसे कि शेंगलिंग, तो उनके लिए भी काफी बढ़िया है। तो वेपन के लिए तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ रेडन का वेपन काफी ज्यादा वर्थ इट है। बात करूँ किनेज के वेपन की, तो किनेज के वेपन राइट नाउ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट किनेज के वेपन से बहुत ज्यादा हाई बेस अटैक मिल रहा है, मगर उसका क्रिट रेट बहुत ही बेकार है, सिर्फ 11%, और जो उसका पैसिव है मोस्टली फोकस किया गया है बर्निंग और बर्जन के लिए। तो राइट नाउ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई और किनेज के सिवा इस वेपन को इस्तेमाल कर सकता है, और स्टिल किनेज के लिए आपको ये निकालना चाहिए, मुझे नहीं लगता। आप पहले आपको वेट करना चाहिए, पहले उसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए एज अ 4-स्टार पे कैसी है, एज अ बैटल पास वेपन पे कैसी है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। तो किनेज के वेपन के लिए मैं आपको मना करूंगा, आप हो सके तो कॉन्स्टेशन निकाल सकते हो, बट वेपन तो बहुत मना करूंगा। बात करूं फोर्स्टार की, तो फोर्स्टार में काफी अच्छे वेपन है, फवोनियस लेंस काफी अच्छा है, विद्सित काफी अच्छा है, सैक्रिफिशियल के रिफाइनमेंट्स काफी बढ़िया रहेंगे, एंड रेन स्लैशर कॉमन वेपन है बहुत लोगों के पास होगा। तो इसको छोड़ के बाकी चार वेपन काफी बढ़िया है जिनको रिफाइनमेंट करना वर्थ इट है, अगर आपके पास रिफाइनमेंट्स नहीं है। तो ओवरऑल वेपन बैनर 60-40 है, 40% बेकार है, 60% अच्छा है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन और यू कैन कम टू माई लाइव स्ट्रीम, मैं आपका सवाल का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो ओवरऑल तुम्हें अगर ये बैनर का रिव्यू पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मोटिवेशन और वीडियो बना सकूं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस।